लेकिन विजय जी पहले एंड फिर भाटी जी एंड भाटिया जी आ रहा हूं, थैंक यू फॉर वेटिंग। नहीं नहीं गो, अरे गोरे का मानेंगे आप लोग सबसे, अरे आप मानते हैं सतीश जी सबसे ज्यादा, आप इतने सीनियर आदमी, अब आप क्यों मेरे से अब आप वो करवा रहे हैं, थैंक यू रिलैक्स। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी देखिए ऐश्वर्या, बहुत सारी बातें हो गई जिन पर चर्चा हुई है, बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी कहाँ से शुरू करें, अफजल गुरु का जिक्र किया गया कि अफजल गुरु पर किस तरह से बात हुई है, आपने बताया कि अफजल गुरु को फांसी दी गई यूपीए सरकार के वक्त, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब दी गई थी फांसी, याद है आपको 2013 में, और फांसी पर फैसला कब हुआ था 2006 में, उस 7 साल में भी यूपीए की सरकार थी और उस सरकार ने उस पर फैसला नहीं किया, ये याद है आपको, शायद शहजाद साहब को भी नहीं जानकारी, और वो लगातार चलता रहा 7 साल। और अफजल गुरु पर जो भी सवाल खड़े करने हो कर सकते हैं, लेकिन अफजल गुरु पर फांसी का फैसला भारत के जो लीगल जुडिशियल जो प्रोसेस है ना, उसका जो आखिरी मसला होता है, आखिरी मंजिल होती है, वहाँ तक गया, मर्सी पिटीशन तक, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन, वो रिजेक्ट हो गई, उसके बाद 7 साल लगे हैं। आपको याद हो कि उस समय बहुत बात हुई थी, और फिर जब आखिर में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें फांसी दी, पहली बात। दूसरी बात, सुशील कुमार शिंदे साहब ने जो कहा है, मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखता हूँ कि वो गृह मंत्री हैं, उनको डर लगता है कि नहीं लगता है। मुझे हैरानी यह है कि सुशील कुमार शिंदे की बात का मतलब है कि उस समय जब 2012 से 2014 तक सुशील कुमार शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे, तो उस यूपीए सरकार के वक्त कश्मीर के हालात कैसे थे कि एक गृह मंत्री को डर लगता है। और आपको शायद याद नहीं होगा, उससे पहले शिवराज पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, याद है सर, उनको भी कमोबेश यही स्थिति थी। एक बार कोई कश्मीर का प्रोग्राम था, तो उसको उन्होंने वहां से उद्घाटन करने की बजाय दिल्ली से रिमोट से उसका उद्घाटन किया था। ये शिवराज पाटिल साहब भी होम मिनिस्टर थे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यूपीए सरकार में थे सर। उसका तो रीजन ये बताया गया था कि उन्हें ठंड बहुत लगती है, वो तो 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी पंखा ऑन नहीं करते थे। राहुल गांधी जी का जिक्र में जो आज उन्होंने विदेश में चर्चा की है वो हमेशा करते। एक बात मैं जोड़ दूं जिससे ऐश्वर्या दुखी है कि अर्नब जो है उनको नहीं भेजते विदेश यात्रा पर। अरे विदेश नहीं सर, छुट्टी पे, ऐश्वर्या विदेश यात्रा किसको जाना, हमारे लिए तो मजदूरी बहुत है। नहीं नहीं वो नैरेटिव, अरे ऐश्वर्या को विदेश भेजने का मतलब तब होता ना जब वो कोई नैरेटिव बनाते हैं वहां पर, नैरेटिव बना नहीं सकता ऐश्वर्या, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको धक्का लगता है। अब सिखों की जो बात की है, मुझे हैरानी है कि वो इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है कि आप याद कीजिए 1984 से 2024 40 साल में उस घाव के मरहम भरे हैं। राहुल गांधी जी को तो याद होगा कि ग्रैंड मदर रही हैं इंदिरा जी, उनका असैसिनेशन हुआ, उससे पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसका क्या नतीजा रहा, और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए देश भर में जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए, उसके बाद ये तो हमें सिख कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि वो सब भूल कर भी वो आपके साथ खड़े हैं, समझे आप, किस सिख कम्युनिटी के लिए क्या क्या सिख विरोधी दंगों को जानते हैं ऐश्वर्या आप, कि 1984 में क्या हुआ था, पढ़ा है सर। राजीव गांधी जी का इस बात का जिक्र करना कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सिख विरोधी दंगे हुए हैं उसके घाव अभी तक नहीं भरे, और आज आप फिर से सिखों के कड़े और पगड़ी की बात कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं कोई घटना, आप एक बताइए कि हिंदुस्तान में कोई घटना सिखों को लेकर हुई है, नहीं मैं आपकी बात समझता हूं, स्वतंत्र चुनाव आयोग, लेकिन जब राहुल गांधी से आपको याद होगा सर, अर्नब ने पूछा था कि क्या कहना है आपको, भाटिया जी बता रहा हूं, अर्नब ने पूछा था भाटी जी राहुल गांधी से डायरेक्टली फेस टू फेस कि 84 के दंगों के बारे में क्या कहना, आई यू सॉरी अबाउट इट, आपको पता, उनको पता नहीं है रियलिटी, वो रियलिटी से बहुत अलग है, तो जो आदमी रियलिटी से अलग है फिर वो रियलिटी से अलग रहे, उनको पता ही नहीं है भाटिया जी की है क्या। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब कांग्रेसी नेताओं से बात कीजिए वो कहते हैं आपको, बट नाउ इट्स नो मोर अ जोक, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं भाटिया जी, और विदेश में जाके वो क्या नहीं बोलते हैं। जतेंद्र जी, ऐश्वर्या जी, मैं पहले आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये बात जो कही, आपने कहा कि वहां के सिखों के सामने
बैठ के गई, करेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बैठ के गई, ये वहां के आप एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, इसकी फट गई उसकी फट गई, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी की उनके सामने फट गई, इसलिए वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बोली। सिख यहां पर है, हिंदुस्तानी सिख है, जिन्होंने आज तक खालिस्तान नहीं मांगा है, वहीं से मांग बनाते हैं खालिस्तानी सिख की, यहां के सिख को भड़काते हैं और ये आज उनके साथ बैठते हैं। और मैं उन सिखों से पूछता हूं, क्या वो 84 भूल गए? वो 84 की वजह से ही वहां पर इतना शोर मचाते हैं ना बैठ के, आज उसी को उसी की बातें सुन रहे हैं, उसी के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, और वही इनको समझा रहा है कि सिख की पगड़ी उछल जाती है, सिख को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। हम यहां रहते हैं, मैंने सिख में मैंने पगड़ी पहनी हुई है जनाब, और आज तक मेरी पगड़ी पे किसी ने हाथ नहीं डाला है। और राहुल गांधी साहब, आप किसी भी जगह पर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कुछ भी बोलते थे, ये तो भैया मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ये तो सारा देश देखता है, सारा इंटरनेशनल वर्ल्ड देखता है, बट वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप इतना सब कुछ नीचे गिर जाएंगे कि वहां खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, इस बात से मुझे ऐसा नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। आप वहां बैठ के खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सिखों के लिए नहीं कही, उन खालिस्तानियों को खुश किया है जो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं, जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, यही मेरा कहना है जनाब। नहीं पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कड़ा पहनने में पगड़ी पहनने में, मतलब 84 के दंगों में जरूर ऐसा सिचुएशन आया था भारत में, और उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद कभी भी या उससे पहले आज तक कभी भाटिया जी लगा है? आज तक कभी लगा है जनाब? आज तक मुझे मुझे बताइए कि राहुल गांधी और या उनके परिवार के किसी भी आदमी के मन में अगर संवेदना होती तो ये खड़े होके हिंदुस्तान के सिखों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते जो 84 में इन लोगों ने किया है। आपने कहा 4000, 4000 नहीं साहब, 40,000 लोग मारे गए, कितने लोग खराब हुए वहां पर, 16 मेंबर मेरे घर के खराब हुए सर। भाटी जी आ रहा हूं, इंतजार किया आपने, माफी चाहता हूं। ये नहीं पॉइंट देगा भाटी, ऐसी बात करते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, इनके परिवार के ये कौन सी सोच है, परिवार के किसी आदमी ने आज तक माफी नहीं मांगी हिंदुस्तान के सिखों से, और ये सिख की पगड़ी की बात करते हैं, सिख की पगड़ी अगर हिंदुस्तान में किसी ने उछाली है तो इनके परिवार ने उछाली है, मरवाया है सिखों को, सरेआम जलाया है, टायर गले में डाल डाल के जलाया है। और मैं अपील करता हूं उन सिखों से भी जो आज भूल गए 84, जो आज भूल गए गद्दी के लालच में, पैसे के लालच में वो 84 भूल गए, वो कांग्रेस के किए हुए अत्याचार को भूल गए, वो इनकी दी हुई आज ये इज्जत देंगे? ये कब इज्जत दी है इन्होंने, ये कब अपना रंग बदलेंगे, इनका क्या भरोसा कर सकते हैं हम लोग? अगर किसी ने इज्जत इस देश में सिख को दी है तो मोदी जी ने दी है, ये मैं सरेआम टीवी पे बोलता हूं, जिन्होंने हर वक्त और हर जगह सिख को रिस्पेक्ट दी है, इंडिया के सिख को, हिंदुस्तान के सिख को रिस्पेक्ट दी है, हाँ खालिस्तान को नहीं दी है।